दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2018 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो राष्ट्रमंडल खेल से जुड़े हुए हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, 21वीं राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए? आपको बताना है 21वीं राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए। ऑप्शन है ए 4 अप्रैल 2018, बी 5 अप्रैल 2018, सी 2 अप्रैल 2018 या फिर डी 6 अप्रैल 2018। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए 4 अप्रैल 2018, यानी कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल या फिर CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 4 अप्रैल 2018 को शुरू हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2018 की ध्वजारोहण ओपनिंग किस खिलाड़ी ने की? आपको बताना है राष्ट्रमंडल खेल 2018 की ध्वजारोहण ओपनिंग किस खिलाड़ी ने की। ऑप्शन है ए जेमिमा मोंटा, बी एमसी मैरी कॉम, सी पीवी सिंधु, डी एलेक्जेंड्रा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु द्वारा ध्वजारोहण ओपनिंग की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का मोटो क्या था? राष्ट्रमंडल खेल या फिर कहें तो CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का मोटो क्या था? ऑप्शन है ए शेयर द ड्रीम, बी सी द ड्रीम, सी ड्रीम एंड विन, डी अचीव योर ड्रीम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए शेयर द ड्रीम। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का शुभंकर नाम क्या था? राष्ट्रमंडल खेल 2018 का शुभंकर का नाम क्या था? ऑप्शन है ए शेरा, बी बोरोबी, सी करक, डी क्लाइड। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी बोरोबी, बोरोबी। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रमंडल खेल 2018 की पदक तालिका में भारत 66 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने कुल मिलाकर कितने स्वर्ण पदक जीते? दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2018 की पदक तालिका में भारत को 66 पदक मिले और वह तीसरे स्थान पर रहा। आपको बताना है भारत ने कुल मिलाकर कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन है ए 23, बी 26, सी 28, डी 30। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी 26। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत को 26 स्वर्ण, 20 रजत, 20 कांस्य सहित कुल 66 पदक मिले। ऑस्ट्रेलिया 198 पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जबकि 136 पदक के साथ इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हरियाणा के किशोर का नाम बताइए जो पुरुषों की 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम जीतने वाला सबसे कम आयु का भारोत्तोलक बन गया। ऑप्शन है ए मनोज हुड्डा, बी संजीत चानू, सी दीपक लेथर, डी आशीष तोमर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी
दीपक लेथर। प्रश्न नंबर 7। 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी का नाम बताइए। 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी का नाम बताइए। दोस्तों, ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। ऑप्शन ए देवेंद्र झांझरिया, बी नीरज चोपड़ा, सी जगदीश बिश्नोई। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। CWG 2018 में दो एकल स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए। CWG 2018 में दो एकल स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए। ऑप्शन ए PV सिंधु, बी ज्वाला गुट्टा, सी साइना नेहवाल, डी किदंबी श्रीकांत। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी साइना नेहवाल। प्रश्न नंबर 9। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो CWG 2018 में समापन समारोह के लिए ध्वजावाहक था या थी। ऑप्शन ए PV सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी जीतू रॉय, MC मैरी कॉम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी MC मैरी कॉम। प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ पर आयोजित हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ पर आयोजित हुए थे? ऑप्शन ए ग्लासगो, बी गोल्ड कोस्ट, सी मेलबोर्न, डी टोक्यो। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी गोल्ड कोस्ट। दोस्तों, 2018 राष्ट्रमंडल खेल या 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य में आयोजित हुआ। यह ओलंपिक व एशियाड खेलों के बाद तीसरा सबसे बड़ी बहुखेल स्पर्धा है। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रमंडल खेल 2018 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।